हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.19 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। देखो ये ग्राफ दिए हुए हैं आपको, तो आपको सुटेबल फिजिकल सिचुएशन आपको बतानी है, मतलब क्या सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये ग्राफ बना होगा। ठीक है, तो देखो जब सबसे पहले हम ए ग्राफ देखते हैं, इसमें क्या दिखाया हुआ है, अगर आप देखोगे ना यहाँ से लाइन बनाई हुई है, अगर आप बुक में देखोगे आपको ढंग से दिखेगी, यहाँ से लाइन है और फिर ये है, फिर ये इस तरीके से बनी हुई है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, समझ रहे हो ना ये चीज़ कैसे बनी हुई है, ऐसे है फिर ऐसे है फिर ये ऐसे है फिर ऐसे है, मतलब ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है ना इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से पहले प्लॉट हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर ऐसे है फिर ऐसे है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको कहानी में समझना क्या है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ में देखो अगर हम यहाँ पर इसको नोटेशन दे दूँ मैं, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और ये वाला जो है ए यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पर ये ए हो गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद हमने लिया था पॉइंट यहाँ पर क्यू ए, और ए के बाद हमने लिया पॉइंट यहाँ पर, ये आर पॉइंट ले लिया हमने, ये वाला एस ले लिया, ये वाला टी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये पॉइंट यू लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से आप समझो, ये बी रहने दो, बुक में लिखा हुआ है इधर ए और बी, तो इसलिए लिख दिया था। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ग्राफ को देखते ही कि पी से क्यू जो है आपका, यानी कि पोजीशन कोई चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे पी से कि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। देखो एक्स तो ऐसे चल रहा है ना, एक्स के तो ऐसे होंगे ना नंबर्स 1 2 3 4, तो ये टाइम के साथ ये तो चेंज हुआ ही नहीं है पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है पी से क्यू में रेस्ट पर है। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है हमें कि क्यू से ए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका जो स्लोप है वो देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में है, तो यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड इसकी अटेन हो गई होगी। ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो क्यू से ए क्या हो रही है, इसकी स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट हो रही है, डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये चला है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्यू से ए हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये पॉइंट आर ले लिया। अब उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये किसी चीज़ से टकराया होगा, उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है ना वो क्या हो गई होगी, अपोजिट हो गई होगी। अब अपोजिट हो गई होगी तो इसमें ये ऐसे उल्टा चलेगा। अब मैंने तभी कहा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पाथ लेंथ वाला नहीं है, पाथ लेंथ में चाहे अपोजिट चल रहे हैं वो सीधी चलती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताई थी बात। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है रिड्यूस्ड है। बिकॉज अगर ये वाला स्लोप देखोगे और आप ये वाला स्लोप देखोगे, ये स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप थोड़ा कम है, अगर आप देख पा रहे हो इसको। ठीक है ना, तो नहीं भी अगर समझ में आ रही है कहानी तो सिंपल ये समझो कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अभी अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, और रिड्यूस स्पीड ऐसे आप सोच सकते हो अगर स्लोप वाली कहानी समझ में आ रही है, नहीं तो नॉर्मल समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आके जो भी आपने रेफरेंस ले रखा होगा उससे भी ये आगे निकल गया, एस से टी भी क्या हो गया ये और आगे निकल गया। ठीक है, और आगे जब निकला और कैसा है ये स्पीड इसकी रिड्यूसिंग है। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर क्या हुआ ये देख लो, टी से यू इसकी क्या कोई पोजीशन बदल रही है, नहीं, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन तो नहीं बदल रही इसके साथ, तो इसका मतलब किस पे आ गया होगा, रेस्ट पे आ गया होगा। तो ये हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, ये हम एग्जांपल ऐसे सोच सकते हैं जैसे मान लो ये दो वॉल हैं। ठीक है, दो ये वॉल्स हैं, इस तरीके से समझ लो ये वॉल वन है, ये वाली वॉल टू है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर ये बॉल लेकर आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, अब ये बॉल जब यहाँ लेकर खड़े हो तो ये हमने रेफरेंस मान लिया ये टी इक्वल टू जीरो वाला, कोई भी टाइम हो रहा है जैसे मान लो यहाँ 9 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो इसको हमने टी जीरो पे मान लिया। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, पी से क्यू हमने कहा ये रेस्ट पर है, पी से क्यू ये रेस्ट पर है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही बॉल। ठीक है, फिर इसको किक किया। ठीक है ना, इसको जब किक किया होगा या ये कह सकते हैं हम कि एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, इतने पी से क्यू तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, फिर इसकी क्या हुई है यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हुई। ठीक है ना, और ये मान लो हमने कहा कि एक कांस्टेंट स्पीड से क्यू से ए इसने मूव किया, मतलब कैसे, इस तरीके से देखो जैसे मान लो आपने क्या किया, इसको किक किया होगा किसी वेलोसिटी से, ये मूव हुई होगी और यहाँ गई होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर साफ पता चल रहा है हमें कि डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी क्या होगी, देखो टकराने के बाद एक तो थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये टकराया उसके बाद ये रिड्यूस होनी शुरू होगी यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से समझ लो। अब इस पॉइंट तक जब ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, यहाँ तक तो ये रहा आर से एस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आर से एस बॉल आई, उसके बाद यहाँ के बाद एस टी तक गई, एस टी मतलब यहाँ से बॉल अब यहाँ तक गई इस बॉल के पास, तो टी पर पॉइंट पर जब आई तो इसका मतलब अब ये स्टॉप हो गई है, स्टॉप हो गई है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये ऐसे लाइन बनी हुई है यहाँ पर। समझ पा रहे हो ग्राफ्स को, देखो ना पाथ तो ये है इसका एक्चुअल में ऐसा, लेकिन ग्राफ ऐसा बना है क्यों, यहाँ पर ये कुछ देर है तो रेस्ट है, फिर यहाँ से यहाँ गई, इस तरीके से समझ लो ये क्यू से ए वाला ग्राफ बनाया है हमने। ठीक है, फिर ये आर से ये वाला एस बना।
ठीक है, फिर ये एस से टी बना, अब यहाँ पर भी रेस्ट पे आ गई तो ये लाइन ऐसे बन गई, टी से यू टाइम कंज्यूम हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये इस तरीके से है ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब बॉल लाइज एट रेस्ट पी क्यू, इट इज़ किक टूवर्ड्स वॉल क्यू ए, बॉल लाइज है रेस्ट पर पी क्यू है, जो किक किया उसको टूवर्ड्स क्यू ए, ठीक है ना, टूवर्ड्स वॉल किक किया वो हमने लाइन बनाई है ये क्यू ए वाली, ठीक है, और बॉल उसके बाद भी है रिबाउंड हुई, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज करी और मूव अपोजिट टू द बॉल, ऑब्वियस सी बात है इसके बाद यहाँ टकराने के बाद ये अपोजिट टू द बॉल चली, ठीक है, एंड देन फाइनली स्टॉप, या हम कह सकते हैं दूसरी बॉल पे जाकर टकराई और वहाँ रुक गई है, ठीक है ना, जैसे धीरे धीरे बॉल जाती है तो यहाँ किसी चीज़ से टकराई तो वहीं रुक गई, ऐसा होता है ना, इतनी कम स्पीड इसने अटेन कर ली कि इसके बाद यहाँ पर आके क्या हो गई है, रुक गई, ऐसा होता है ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो ये स्लोप जो है यहाँ पर इसका क्या है, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा स्लोप है, ये कम है स्लोप, तो यहाँ स्पीड कम रही होगी ऐसे आप सोच सकते हो, तो फाइनली वो स्टॉप हो गई और टी यू क्या है वो लाइन बनाई है हमने स्टॉप वाली, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखो जरा यहाँ पर, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर देखो इस तरीके से बना हुआ है ये, ठीक है, एक्चुअल में ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, फिर ये इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से मतलब बना होगा ये, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अब ये देखो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इसमें देखो ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, ये नेगेटिव वेलोसिटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उसे हम नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोच सकते हैं ग्राफ को, देखो जैसे इसको मान लो आप ये यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और यहाँ पर ये ऑब्वियसली बात है जीरो होगी वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में हम -20 मीटर पर सेकेंड लेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं कि जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, कैसे बनाएं इसको हम, यहाँ बनाते हैं जरा देखो, जैसे हमने कहा कि ये एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को आपने क्या किया है, इस बॉल को आपने यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया और ये बॉल यहाँ गई, ठीक है, इतनी हाइट पे गई। अब देखो जरा हाइट पे जाकर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो ये देखो जरा 20 मीटर पर सेकेंड से हमने थ्रो किया, तो ये बना ग्राफ 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, उसके बाद स्पीड कम होती है ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है और कहाँ आ गई, जीरो आ गई। अब जीरो पे आने पे क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी बॉल, और डायरेक्शन चेंज करते हुए फिर इसकी स्पीड, वेलोसिटी जीरो थी ना, यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, अब फिर बढ़नी शुरू हुई और वो 20 से ही यहाँ टकराएगी नीचे, क्लियर है, 20 से टकराई, तो ये देख लो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, जीरो के बाद ये बढ़ रहा है, और ये देखो मैक्सिमम हाइट वो है जो टी जीरो और वी जीरो पे ये अटेन कर रही है, क्लियर, यहाँ पर बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो वी जीरो हम बोल सकते हैं इसमें, टाइम जीरो पे तो नहीं क्योंकि यहाँ पर भी वी जीरो है, वी जीरो वी जीरो वी जीरो, तो टी जीरो ना लिख के वी जीरो का हम कह देंगे कि वी जीरो पे ये मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, समझ रहे हो बात को, 20 मीटर पर सेकंड यहाँ कैसे किया होगा, यहाँ से आपने थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑब्वियस ज़्यादा ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती है, तो ये देख लो स्पीड कम हो रही है ग्राफ में और जीरो पे आ गई, जीरो पे आ गई, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब क्या, अपोजिट में है, तो अपोजिट में वेलोसिटी फिर कितनी अटेन कर रही है वो, -20, ठीक है, माइनस सिर्फ क्या है अपोजिट साइन के लिए, ठीक है, मतलब डायरेक्शन है ना अपोजिट, इस वजह से साइन लगाया, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, अब जब ये टकराई उसके बाद जब ये ऊपर उठेगी, जैसे मैंने कहा ना टकराने के बाद इसकी थोड़ी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अब ये जो थ्रो होगी ऊपर, ठीक है ना, इसके बाद अब जो ये थ्रो होगी यहाँ से वो किस स्पीड से होगी, मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो होगी, तो ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड की है ये कहानी, 10 मीटर पर सेकंड है ये, मान लो ये 20 का था, ठीक है, माइनस कह रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड से होगा थ्रो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ये थ्रो होगी ऊपर, ठीक, और अब ये इसने क्या किया, अब स्पीड कम है ऑब्वियसली बात है, ये हाइट भी अपनी कम ही अटेन करेगी यहाँ तक वी ज़ीरो, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट यहाँ लेगी और ये वी ज़ीरो आ गई यहाँ पर, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, ये ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन चेंज करेगी, तो डायरेक्शन चेंज कर रही है तो देख लो यहाँ ग्राफ बन रहा है ये -10 का बनेगा, यहाँ -10 मीटर पर सेकेंड से, तो ठीक है, तो जिस स्पीड से गई उसी स्पीड से ये आगे टकराएगी भी यहाँ पर, तो ये -10 आ गया। अब हो गया क्या, जब ये यहाँ पर टकरा गई वापस आके, अब दोबारा ऊपर उठेगी, ठीक है, दोबारा किस स्पीड से उठी, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से कम हो गई स्पीड यहाँ, ये वाली 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, अब ये थ्रो करी ऊपर तो वैसा स्पीड कम होगी और ये यहाँ तक गई, मान लो ये वी इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पर आके, ठीक है ना, स्पीड कम है ऑब्वियस सी बात है, तो पिछले वाले से तो हाइट कम ही अटेन करेगी ना, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ, वही बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये आया वी जीरो पे, ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ ये वी जीरो आ गया, अब ये -5 पे आएगी, यहाँ -5 पे कैसे आई वो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, अब ये देख लो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो -5 है, ऐसे सोन ये चलता रहेगा, तो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन अप किया सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट और सम इनिशियल वेलोसिटी, और वो क्या करेगी, अब डिक्रीज करेगी, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, एट मैक्सिमम हाइट वी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है, देन फॉल डाउन होगा उसका, रिबाउंड अप अगेन, ठीक है ना, फॉल डाउन हुई उसके बाद रिबाउंड हुई दोबारा, रिबाउंड अप अगेन, लेकिन कुछ लेस वेलोसिटी से हो रही है, देख लो 20 से आगे टकराई थी, फिर 10 से उठी वो, फिर वो 10 से टकराई नीचे, फिर वो 5 से उठी ऊपर, तो रिड्यूस से ही स्पीड से ही ऊपर वो उठती है, ठीक है।
चलो जी, अब थर्ड ग्राफ जो है इसका, ये सी ग्राफ है, वो देखो जरा क्या कह रहा है इसमें। ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये यहाँ से ऐसे है, यहाँ तक है, और ये फिर इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। यहाँ इसका मतलब क्या है, इस पार्ट पे क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, विद टाइम एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, जीरो है। अब ये चीज़ें पता है ना, नेगेटिव टाइम नहीं होता, ये सिर्फ एक रेफरेंस है। मान लो 8 o'clock को हमने टी इक्वल टू जीरो लिया, इसके ऊपर का टाइम क्या होगा, वो पॉजिटिव में, इससे पीछे का 7 AM 6 AM वो सब क्या होगा, नेगेटिव में होगा। सिर्फ ये है कहानी टाइम के लिए, तो ठीक है। एक्सेलरेशन की कहानी में देखो जरा, अब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा। अब एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा यानी कि एक्सेलरेशन है जीरो। जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जरा देखो इस तरीके को समझो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। फाइनल भी मान लो 5 है, इनिशियल भी 5 है, टाइम मान लो उसको 2 सेकंड लग रहा है, तो 0/2 क्या होगा, 0 एक्सेलरेशन। लेकिन चल तो रही है, लेकिन वो क्या होता है, फाइनल इनिशियल यानी कि स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ एक्सेलरेशन, और फिर क्या हुआ, देखो एक्सेलरेशन इंक्रीज का मतलब क्या है, अब स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी कि स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कैसा है, ये हमारा इंक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, जैसे हम कहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है, कांस्टेंट है कि हर सेकंड जो है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। ये तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, उसके बाद कुछ और एक्सेलरेशन है, कुछ और एक्सेलरेशन है, मतलब क्या है, वो अलग ही लेवल पे इंक्रीजिंग में है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है। जैसे हम कहते हैं ना, आप एक कांस्टेंट स्पीड दे के रखते हो, तो मतलब कांस्टेंटली एक्सेलरेशन ऐसे दबा के रखते हो एक्टिवा का, ठीक है, तो आप कहते हो स्पीड जो है आपकी कांस्टेंट चल रही है, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन क्या कर दिया, जीरो, आप ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो। अब आप बढ़ाना शुरू करोगे तो स्पीड भी क्या होगी, आपकी बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ ये इंक्रीजिंग में है, फिर उसका डिक्रीजिंग हो रहा है एक्सेलरेशन, और फिर वो जीरो हो रहा है, फिर यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि फिर से वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कहानी क्या है, पहले कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर वो स्पीड थोड़ी थोड़ी क्या हुई है हमारी, अभी भी बढ़ तो रही है स्पीड, लेकिन उतने एक्सेलरेशन से नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही थी। अब एक्सेलरेशन जो है हम कम करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड भी क्या होगी, अब पहले से कम होती जाएगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो मतलब वो स्पीड आ जाएगी जो कि कांस्टेंट स्पीड थी हमारी, जो यहाँ पर थी वही स्पीड यहाँ आ जाएगी, और फिर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट है। तो ऐसा एग्जांपल किस में हो सकता है, इसमें एग्जांपल पता क्या हो सकता है, जैसे जो ये कांस्टेंट स्पीड का आप सोच सकते हो कि बॉलर है, ठीक है, बॉलर बॉल लेके भाग रहा है बॉल, ठीक है, मतलब ऐसे समझो बॉलर है, बॉल लेकर भाग रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो भागा कॉन्स्टेंट स्पीड में, यानी कि एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था, ये वाला पार्ट यहाँ तक। उसके बाद उसने बॉल फेंक दी, उसके बाद जब उसने बॉल फेंक की इस डायरेक्शन में, यहाँ खड़ा है कौन, बैट्समैन। अब जब उसने बॉल फेंकी तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये हमारा कुछ एक्सेलरेशन है, बढ़ता जा रहा है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से सोच लो आप कि भाई किसी एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कांस्टेंट भी नहीं है लेकिन बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन से है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, इसने क्या किया, बैट से इमीडिएटली, ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम है, ये देख लो, ये वाला बॉल गई, इसने भी फिर उसको किक किया, ठीक है ना, बैट से मतलब हिट किया, ठीक है, तो बैट से जब हिट किया तो बॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्सेलरेशन देखो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कैसी है, ये डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में गई बॉल, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है इसका, अब डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, एक कांस्टेंट लेगी है, जैसे यहाँ पर कोई किसी चीज़ से मान लो ये टकरा गया या कुछ हुआ, ठीक है, तो इसकी स्पीड अब कांस्टेंट चल रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ तक क्या हुआ, ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो, तो यही लिखा हुआ है कि इनिशियली द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और फिर क्या कर रहा है, फॉल्स टू जीरो भी हो रहा है उसका, ठीक है। ये बात क्या, बॉल उसने फेंक दी होगी, बॉल फेंकी है तो क्या हुआ बताओ, बॉल फेंक दिया उसने, फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, हिट किया बैट्समैन ने, जब हिट किया तो क्या हो गया, वो एक्सेलरेशन उसका अब डिक्रीज होता जा रहा है, एक पॉइंट पे आके उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो फॉल्स टू जीरो एंड देयर आफ्टर द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये है मतलब इसका, क्लियर है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपको समझने हैं, ठीक है, कर लोगे इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से इसको, बस मेन आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि प्लॉट कैसे करते हैं, बच्चे इसको पाथ समझ लेते हैं कि शायद उसका पाथ है, ये सब पाथ नहीं है, प्लॉटिंग है ये, तो ग्राफ की पाथ अलग चीज़ होती है, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।